सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, योर फ्रेंड मिस्टर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम फिर से आ चुके हैं करोल बाग सरस्वती मोटर्स पे जसनीत भैया के पास, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद। अरे यार इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब वीडियो बनाने में, मतलब वीडियो बन रहा था आधा, बन रहा था आधा अधूरा बन रहा था, क्योंकि यार एक तो सर्दियाँ आ गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, ऊपर से रश रहता है शॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस आप लोगों का प्यार ही है जो इतने सारे आते हो, मुझे भी उतना ऑक्यूपाइड रखते हो। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस, फिर से एक बार आपका मिस्टरीबॉय ब्लॉग्स पे स्वागत है। दिस इज मी जसनीत सिंह, बिल्कुल नई वीडियो ले आए हैं। ये एक स्पेशल वीडियो है, सारी स्पेशल बाइक्स में इसमें कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वीडियोज नहीं आई थी। अब सिंगल बाइक के साथ तो इसके अंदर आपको मैं सारी पांचों बाइक, एक ऐसी स्पेशल बाइक्स है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और हर सेगमेंट की। ऐसा नहीं कि सारी प्रीमियम बाइक्स मिलेंगे आपको, हर सेगमेंट के अंदर आपको जो भी स्पेशल बाइक्स है वो स्पेशल बाइक्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। और अभी तक जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके नीचे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट जरूर करना। बस थैंक यू आप सबका यार, शुरुआत हमेशा एक थैंक्स से ही करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, जितना आप सपोर्ट करते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे ही शाम हो रही है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बाकी बहुत सारी बाइक्स हैं, डिटेल में बात करेंगे, लेट्स गो। जैसा कि भी आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे, तो ये जो वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, और स्पेशल बाइक जो मेरे पास अभी फिलहाल स्टॉक में है, पहले शुरुआत करते हैं एक स्पेशल बाइक से जो अभी आपके सामने खड़ी थी, वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट बाइक जो सड़क में बहुत कम देखने को मिलती है, और ये जो कलर एडिशन है ये सही में रेयर है। वैस ये जो बाइक है ये R3 है, यामाहा की ट्विन सिलेंडर मशीन, 321cc का एक पैरेलल ट्विन इसके अंदर इंजन है, एंड 300cc के सेगमेंट में मेरे को ये सबसे ज़बरदस्त बाइक लगती है, नो डाउट इन दैट। और ये जो कलर स्कीम है गाइस, दिस इज वन ऑफ दी मतलब मोस्ट आउटरेजियस लुकिंग कलर स्कीम। आपने ब्लू कलर देखा होगा, आपने ब्लैक कलर भी देखा होगा, ब्लैक भी पीछे खड़ा हुआ है, मुझ पर छुपा हुआ है, बट ये जो कलर स्कीम है दिस इज अगेन ओनली वन इन इंडिया। ये जो बाइक है गाइस 2016 मैनुफैक्चरिंग 17 में, और पहली नंबर है, दिस इज अ वेरी क्लीन मशीन, बहुत ही अच्छी है, और कलर स्कीम जो है दैट इज स्पेशली वेरी गुड, थोड़े बहुत स्क्रैचेज हैं, आपको दिखाने का थोड़ी बहुत टाइम की स्क्रैचेज वगैरह है, बट ओवरऑल कलर स्कीम बनाई है दैट इज वेरी गुड मैटर। ये बाइक चलिए लगभग 17,000 किलोमीटर, इसके अंदर आपको एसी बजट का एक कम कस्टम एग्जॉस्ट मिलता है, इसके साथ साथ मोबाइल फोन होल्डर, चार्जर, छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर डैंगलिंग चली गई हैं, डैंगलिंग लगा हुआ है, और प्राइस के ऊपर आएंगे 300cc के बाद जो नेक्स्ट होने वाली है, एंड ये हमारे स्टाइल भी अभी है जो एक्सक्लूसिव के नाम से शॉप है, आपके बच्चे को बहुत ही अलग है, ये उन्हीं की बाइक है, वेरी वेल केयर एंड वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, सारी ऐसी बनाई है जो कॉन्टेक्ट आप एक पल को तो ये वही चीज़
से आए, जिस बनेली 600 आए, काफ़ी 60 मॉडल है, EBS वाली बाइक है, उसके ऊपर आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे होंगे पहले भी, तो उसका मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ। वैसे अच्छा आपको चाहे साइड वाली एक्सप्लेन करते हैं, मैं भी तुमको कितना से ओवरव्यू देता हूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर चीज़ें लगे फिर स्पेशली ये भी है, नेक्स्ट लेवल चीज़ है, इसको सेंसर कर देना। इस बाइक का है जिसमें अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो हेडलाइट से लेके हैंडल बार्स से लेके इसके साइड पैनल, रेडिएटर की बॉटल देख सकते हो आप, दिखाइए जिसमें आपको क्रैश गार्ड्स हो गए, पीछे एग्जॉस्ट लगे हैं जो टेल के नीचे है, उन्होंने इंजन के नीचे अंडर बेली एग्जॉस्ट लगा दी, कस्टम है जिसके लिए पीछे के आते हैं ऐसे एग्जॉस्ट, साथ में ये ऐसी एक सीधी लंबी और कस्टम है, तो ये लगभग वैसे से एग्जॉस्ट है, कस्टम एग्जॉस्ट है। उसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी कुछ है, पीछे की जो टेल है वो टॉप टेल है, टॉप टेल उनकी सीट को एडजस्ट करके मतलब इसमें इसको बहुत ही दिमाग लगा कर क्रिएटिव का बनाया गया है। आपने वीडियो में देखा होगा स्टाइल बाइक को टायर में बड़े सारे इश्यूज आ रहे थे, उसमें टायर था नाव गए जिसमें ट्यूबलेस टायर इन जीटे लगाया, स्टाइल बाइक ने लगा के दिए इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर आप देख लो इस बाइक का, बाइक के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहिएगा, आप मेरी साथ वीडियो कमेंट्स आरती के लिए भी, बनेली के लिए भी, हम सबसे नेक्स्ट बाइक में आपको बाइक 600 जैसा आपकी बनेली 600 आए, नेक्स्ट बाइक इज वन ऑफ योर निंजा 650, दिस इज अगेन 650 सीसी मशीन, बट इसमें और बनेली में जो बेसिक फर्क है दैट इज पोस्ट सिलेंडर, ये एक ओवर ही ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ आप लोगों को। क्विक सिलेंडर इसलिए होती है ताकि एक थोड़ा सा वेट रिजर्व हो जाए, दो सिलेंडर है, छोटा इंजन है, वेट काफ़ी कम हो जाता है बाइक का, और स्पोर्ट्स आप इसे टूरिंग कर सकते हो, आदमी बात जो है थोड़े से रेस है पहुँच के, मतलब थोड़े से रेस पर पहुँच है, इससे क्या है पहुँच पर बहुत कंफर्टेबल मेंटेन रहता है आपका, एंड दिस इज़ मोर लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल मशीन फॉर डे टू डे कम्यूट या डेली ट्रैफिक के लिए, एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है। और इसके अलावा ये जो कलर है कावासाकी के अंदर पिंक कलर बहुत ही कम देखने को मिलता है, दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन कलर स्कीम गाइस, और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बिका है। अब आपको इस बाइक के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर लगा हुआ है काफ़ी कुछ, स्टार्टिंग विद टायर्स, इसमें पेरेली की एमपी टायर लगे हुए हैं जो कि ऑल्टरनेट टायर हैं, और जल्दी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंपाउंड रहते हैं टायर्स के अंदर, लिफ्ट भी देते हैं और वो हार्ड भी रहते हैं, पंक्चर का आप जो पंक्चर का रिलीज हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर लगे आगे एलईडी हेडलाइट्स, ये एलईडी लाइट कन्वर्जन के बल्ब जो आगे एलईडी के लगे हुए हैं, और ओवर साथ ही साथ इसके अंदर लगे हुए हैं क्रैश गार्ड जो आप देख रहे हो। एक्सेसरीज में इसके अलावा इसमें मोबाइल फ़ोन होल्डर, चार्जर आप चार्ज भी कर सकते हो, होल्डर भी लगा सकते हो, और वो टैंक पैड लगा हुआ है, साथ में पीछे टेल टाइडी लगी हुई है, और टायर अगेन पीछे लगा हुआ है। आफ्टर कोविच का कस्टम एग्जॉस्ट है, दिस इज नॉट अटेंटेड ओरिजिनल ही है, किसी को कस्टम एग्जॉस्ट, बट रेट बहुत अंदर से छुट्टी का ही एग्जॉस्ट बाई और मीजा 650 एक्सेसरीज आपके बाइक के अंदर, बाइक बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छे तरीके से सारा कर, सॉरी फॉर लाइटिंग आए शुरुआत करेंगे अच्छी तरह दिन में रात ही हो गई है, वैसे रात ही होने जा रही है, लेकिन टाइम अभी हुआ है सिर्फ 5:42 होने 6 बजे हैं, नेक्स्ट बाइक 650 के बाद उसका डबल 1300, दिस इज द बाइक स्टार्टिंग वैगन डब्ल्यू सुजुकी हायाबुसा, वेरी बड़ी कुछ सही पहले आ रहा है मेरे पास, ऐसे नहीं आ रहा था वीडियो इसका ब्लॉग वेरी बड़ी शुरू हो रहा है बाइक, नाउ दिस इज नॉट द मोस्ट फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट बाइक जो सरस्वती मोटर्स करता है, गाइस इसके लिए फेस के बारे में बात करूँ, जैसे इसका मूविंग मॉडल ABS रेपो ब्रेक वाला 16 के अंदर लास्ट CVT यूनिट का बाइक पर 320 यूनिट है, एंड कंडीशन है उसकी नेक्स्ट 1.5
एक स्क्रैच ढूंढ के दिखाओ और उसके 5000 के पैसे। इतनी साफ चीज है और कहीं से भी पेंट नहीं है दोस्तों, मेरे को कहना कि पेंट करा के दे दी है। दिस इज कंप्लीटली जेन्युइन बाइक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, किसी का खराब नहीं है। और इसे इसके अलावा इस बाइक के अंदर लगा हुआ है टैंक पैड। एंड नेक्स्ट थिंग कम्स मेन ऑफ द फॉरमोस्ट इज योर टू ब्रदर्स एसी एग्जॉस्ट। ये सिल्वर सिटी एग्जॉस्ट है, इस प्योर कार्बन फाइबर। ये जो है ये देख रहे हो, इस एक्चुअल कार्बन फाइबर बाइकिंग का इस्तेमाल है। कार्बन फाइबर का मतलब जो परफॉर्मेंस है नेक्स्ट टू ब्रदर्स का फायदा क्या है लोगों को बताना ब्रदर्स का फायदा या दूसरी मेरा कह लो या टू ब्रदर्स कह लो, आवाज़ की लाउड भी होती है, उससे फ़ायदा क्या मिलता है? बाइक के अंदर बैक प्रेशर जो है वो बना रहता है। बैक प्रेशर मतलब जिसको डेमेंट एग्जॉस्ट पाइप से धुआं बाहर निकलता है, आँख में जैकेट बाहर निकलता है, थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, बैक प्रेशर बना रहना चाहिए, किसी का भी कुछ फायर ना करें और परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा फर्क ना आए। अब टू एग्जॉस्ट के तौर पर आपको लो एंड टॉप नहीं मिलता है, जैसे अब अच्छी लगती है तो वो टॉप खत्म हो जाता है, हाई एंड टॉप मिलता है जो रेसिंग में काम आता है। अगर देखी होगी तो नेक्स्ट लेवल रेड लाइन तक आते हैं बाइक, वहाँ तक उनको टॉप मिलता है। वो लो एंड टॉप को कंपनसेट करने के लिए या लो एंड टॉप को बरकरार रखने के लिए जो आपके हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोफिशन है, उसके लिए बैक प्रेशर होना बहुत जरूरी है। तो वो इस बाइक में लगा हुआ आवाज़ बिल्कुल मीठी है, बिल्कुल है, बहुत स्मूथ है। और उसका मेन बेनिफिट ही कह लो बैक प्रेशर होने का, इसकी बाइक आपको बहुत बरकरार रहती है। ये कारण यूट्यूबर भी ऐसे ही, यूट्यूबर इससे भी कम है आवाज़ में लेकिन परफॉर्मेंस में वेरी ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट, बहुत ही प्यारे एग्जॉस्ट। ये कॉम्प्लिकेशन बाइक है आपके साथ, कॉम्प्लिकेशन एग्जॉस्ट के साथ, क्योंकि हायाबुसा आवाज़ भी सुनाऊँगा, सबकी आवाज़ सुनाऊँगा, रह रहिएगा वीडियो में। अभी तक इतने आगे आ गए और वीडियो को लाइक नहीं करा तो अच्छा लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई के चैनल को अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो। बाकी प्राइसिंग की पार्ट में भी आऊँगा, थोड़ा टाइम दो जब तक जो हमारा इसकी चली गई। चलिए चलते हैं लास्ट बाइक के ऊपर, नेक्स्ट दोनों भी देखिए। गाइस इस वीडियो के अंदर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बाइक होने वाली है, दैट इज गोना बी योर लेजेंडरी हार्ली डेविडसन फैट बॉय, छोटा लड़का तो कह सकते हो, मोटा बच्चा मेरे जैसा। दिस इज द फैट बॉय, हार्ले डेविडसन की बाइक है ये, एंड मतलब क्रोम से भरी होती है बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसकी वेरी प्रीमियम मोटा बच्चा बस मोटा बच्चा आ गया, उसके बाद मोटा बच्चा देखने को मिल गया। बाकी अगर ये चीज़ें अगर आप पहले देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है आया है स्वीट के नाम से, उनके असिस्टेंट मिल जाएगा देखने में। वहाँ पर मैं स्टोरी नहीं करता हूँ, आपके मैं इंस्टाग्राम पर हूँ कैप्चर करना है फॉलो मेरे इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का कोई मिल जाएगा। चलिए चलते हैं बैक टू दी टॉपिक। नाउ दिस इज समथिंग विच इज लिटरली लेजेंडरी है, ये लिविंग लेजेंड है क्योंकि जो आ रही है सबसे नया मॉडल आ गया था, सारी लिमिटेड एडिशन है, सारी एक यूनिक बाइक्स है जो मैंने आपको कवर करी है। बड़े टाइम से वीडियो में आया है यूएस बोलते हैं लेकिन नेक्स्ट ईयर कब आएगी, ये जो बाइक है दिस इज 2016 मैनुफैक्चर्ड एंड 2017 रजिस्टर्ड, 2017 की या 16 बाइक है, UK 07 मेरा जो रजिस्टर्ड है। इस बाइक की खास बात ये है कि चलिए सर 3800
अगर बात करें तो इसका प्राइस मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। इसके प्राइस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे आप मैसेज करना, वहाँ पे आपको मैं प्राइस बताऊँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में प्राइस करना, इसका प्राइस मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताऊँगा। चलिए चलते हैं 650 के ऊपर। प्राइस जैसे आ चुके हैं 650 के ऊपर, अब इसके बाद स्टाइल सुनाऊँगा। मैं आरती की आवाज़ सुनी थी प्राइस के बारे में बात करो, ये चलिए लगभग 2000
प्राइस की अगर बात करूँ तो इसका जो एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है दैट इज़ वन ऑफ दी 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपये की आपको मिल जाएगी इंडस्ट्री सिक्सटी, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल हमारा प्राइस नॉट योर कॉमन इंडस्ट्री सिक्सटी, ग्रीन 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 बॉक्स लिमिटेड एडिशन के सभी लोगों की आप वह जब टाइम आ गया उस घड़ी का जिसका हम सबसे वेट कर रहे थे और इस माइक में आया था, दिस इज स्पेशल एडिशन बाइक मजेदार प्राप्त कर रहा है और मेन बात तो प्लानिंग खुल गया था कि डेली नंबर है बाइक के नंबर है तो वो 030, आई डोंट बिलीव इन हाइडिंग नंबर प्लेट्स, मेरे पास नंबर है वो नंबर भी दिखाते हैं क्या चक्कर है, मेरे पास वो नंबर लेकर कहीं फेसबुक पर भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, व्हाट्स पर पड़ी हाइडिंग नंबर प्लेट्स है, गुड आप साफ काम कर रहे हो नंबर प्लेट पे चुका लोग शॉप का नाम भी लगा लेते हैं, चलो जो भी है उनकी अपनी अपनी सोच है, नंबर प्लेट्स मैं नहीं छुपाता, VIP नंबर है 00030, डेली नंबर है, सिंगल ओनर है, 7,000 के लिए है, चलिए आपको इसका डाल चुका था चलिए इसको शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सुना दूँ आपको आएगा, जिसमें हमने आपको 5 लिमिटेड एडिशन बाइक दिखाई, ये जो सारे 5 बाइक थी ये सारी लिमिटेड एडिशन थी, कलर थीम मतलब सारी नेक्स्ट लेवल थी और सब में जो बढ़िया सा एग्जॉस्ट लगा हुआ था उसकी साउंड सुनाई नहीं प्राइस, होप करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। बाकी पाजी यार एक बार जो भी बोलना है, बाकी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर लो, मिस्टरीबॉय चैनल के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लो भाई को, मेरा कंटेंट मोस्टली इसी चैनल पे आता है, जितनी भी एक्सक्लूसिव बाइक्स होती हैं वो सबसे पहले आती हैं तो मिस्टरीबॉय ब्लॉग से चैनल पे आती हैं गाइस। एंड अभी लास्ट ZX 10R भी एक स्पेशल बाइक थी, एक स्पेशल वन ऑफ अ काइंड चीज थी,
उसमें भी आपने काफी ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया, 85,000 से ऊपर चले गए उसके ऊपर व्यूज, मतलब कमेंट से होता चलता है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे आप जब सपोर्ट करते हो तो मोटिवेशन मिलती है कि बस अब नई नई चीज लेके आनी है। यूट्यूबर्स मेरे लिए कम्युनिटी वेट कर रही है, तो आप लोगों को बस एक सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई कैसे कर पाऊंगा, बस यही चीजें हैं जो सारी हैं जो मेरे पास, जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ। बाकी सुपर बाइक्स तो हमने बहुत दिखाई है, बाकी बहुत स्टॉक में है, टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, वरना वीडियोस तो हम बहुत बना सकते हैं। ऐसे दिन छोटा हो गया ऊपर से, फिर मेरे चश्मे के ऊपर भी काफी लोग बोलते हैं भैया कभी डार्क कभी ये, रात में भी काला। वो पावर्ड लेंसेज है गाइस, दोस आर पावर्ड ग्लासेस, मैं पावर थोड़ी ज्यादा है तो तभी उसको वेयर करता हूँ दिन में, थोड़ा स्वैग भी रहना चाहिए ना, तो इसीलिए वो भी रहती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट।